तमिलनाडु में रविवार को एक और बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। यह हादसा रेलवे स्टाफ की सतर्कता के कारण टला। रविवार को रेलवे स्टाफ ने चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के एक बोगी के चेसिस पर क्रैक देखा, जिसके बाद कर्मचारी ने तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारी ने दोपहर के लगभग 3:30 बजे इस क्रैक को देखा और हमें इसकी सूचना दी। इसके तुरंत बाद इस कोच को गाड़ी से अलग कर दिया गया और एक नया कोच गाड़ी में जोड़ दिया गया। करीब 1.5 घंटे की देरी के बाद ट्रेन 4:40 पर मदुरई के लिए रवाना हुई। दूसरी ओर दक्षिण रेलवे ने स्टाफ की सराहना करते हुए कहा है कि कर्मचारी की सतर्कता और निगरानी के लिए रेलवे इनकी सराहना करता है और इन्हें मंडल रेल प्रबंधक मदुरई मंडल की ओर से सम्मानित किया जाएगा। ओडिशा के बालासोर हुए ट्रेन हादसे के बाद रेलवे कर्मचारी फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस ओडिशा रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 275 हो गई है। वहीं 1175 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिसमें से अभी 382 लोगों का इलाज चल रहा है। रेलवे ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना की CBI से जांच कराने की सिफारिश भी की है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उड़ीसा गए थे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस रेल हादसे के बाद से दुर्घटना स्थल पर हो रहे राहत कार्य पर लगातार नजर बनाए हुए थे। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के 2 दिन के अंदर बहाली का काम पूरा हो गया है। इसी के साथ हादसे से प्रभावित सेक्शन पर भी रेल की आवाजाही भी शुरू हो गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।